वज़ीर-ए-आला के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल जस्टिस एजाज उल हसन जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में तीन रुकनी बेंच कर रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा खसूसी तहसीन यूसुफ से। जी तहसीन, आगाह कीजिएगा। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये तीन रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, और बेंच में जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। छः साबिक सदूर ने फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुल्क में बहरान बढ़ता जा रहा है, पूरा सिस्टम दाव पर लगा हुआ है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम यकतरफा फैसला नहीं कर सकते, तमाम फरीकैन के तमाम जो फरीकैन हैं उनको हमें सुनना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया तहसीन, आप अपनी तफसीलात से आगाह कर रही थीं।